हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। और ये जो वीडियो है मेरी, इट्स अ इंट्रो वीडियो, और मेरी जो आने वाली वीडियोज होंगी अपकमिंग वो इस सीरीज़ को ही लेके होंगी, जिसके अंदर मैं इन डेप्थ डिटेल में आपको बताऊँगा कि टैली में हम लोग क्या कर सकते हैं और कौन कौन से फीचर कैसे काम करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये आपका एक शेयर मुझे मोटिवेशन देता है और साथ साथ में उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा जिस तरह से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि टैली में क्या होता है। क्योंकि जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने क्या देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स टैली करते हैं बट उनको ये नहीं पता होता कि हमें टैली करके किस लाइन में जाना है, हमारी स्ट्रीम लाइन क्या होगी। सो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि टैली करने के बाद हमारे पास कौन कौन से रास्ते खुलते हैं और हम किस किस जगह पर जॉब पा सकते हैं ताकि जो हमारा कैरियर है वो बन सके हमारी अकाउंटिंग स्ट्रीम के अंदर। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम बोल रहे कि अगर हम लोग बीकॉम हैं या फिर एमकॉम हैं या फिर अकाउंट्स होल्डर हैं तो ही हम टैली कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग टैली कर सकते हैं चाहे आप बीए हो, चाहे प्लस टू हो, चाहे प्लस टू विद आर्ट्स हो, डजेंट मैटर। टैली एक बेसिकली स्किल्स हैं जिसके अंदर हम लोग अपने अकाउंटिंग्स के फॉर्मेट को तैयार करते हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल प्रोग्राम की, तो बहुत से देखे होंगे आपने शॉपकीपर्स जो कि प्लस टू पास है, टेंथ पास है, बट अच्छा अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, बिलिंग भी कर रहे हैं, रिटर्न्स भी फाइल कर रही हैं। वो कैसे कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज उनको पता है कि प्रैक्टिकली काम क्या होता है। सो क्या लगता है आपको, जो बच्चा टेंथ का है या प्लस टू का है जो कि आर्ट्स के लेवल का है, तो क्या वो नहीं कर पाएगा? ये सोचना बिल्कुल गलत है कि नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट कि ये जो लाइन है ये कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए ही आती है, क्योंकि उन्होंने एम कॉम किया है या बी कॉम किया है, उनको जब अपने फील्ड में काम करना है तो उनको जो काउंटिंग एंट्री होती है वो सारी की सारी उनको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ही करनी होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताऊँगा कि हम लोग किस किस काम को टैली के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर हम जॉब देख रहे हैं तो जॉब पा सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह का काम होता है, वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या है। सो फिर दोबारा से बोलूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो, और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हम अकाउंट हैंडल करते हैं उन सबकी एंट्री हमारी टैली के अंदर ही होती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि टैली में हम लोग किस तरह के कंपनीज के अकाउंट मेंटेन करते हैं? और अगर मुझे जॉब नहीं करनी तो क्या मैं पार्ट टाइम या फुल टाइम या अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकता हूँ? बहुत से स्टूडेंट टैली करते हैं और टैली करके वो जॉब सर्च करते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती और वो परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने टैली भी किया, कंप्यूटर्स भी किया, बीकॉम भी किया और ग्रेजुएट भी हुए, बट स्टिल जॉब नहीं है मार्केट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि हम जिस सेक्टर में जा रहे हैं क्या हमें उसका आइडिया है कि वहाँ पर किस तरह का काम होता है? एक सिंपल टैली करने से, चार लेजर बनाने से, चार एंट्री करने से टैली नहीं आती। टैली इन डेप्थ के अंदर अगर हम जाएं तो टैली में बहुत कुछ है जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मॉड्यूल आता है, जो हम इन टर्म्स ऑफ जॉब की बात करें तो वहां पे क्या रहता है कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना अपने, अकाउंटेंसी के रिकॉर्ड्स की एंट्रीज करते हैं। सो वो रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री मीन्स बुक कीपिंग उसको बोलते हैं, तो वो सारा काम हमारा टैली के अंदर ही होता है। सो ये तो बहुत कॉमन है। अगर हम बात करें कि शॉपकीपर हैं या बिजनेसमैन हैं या फैक्ट्री है या कंपनी है, इंडस्ट्री है, ये तो हर कोई मेंटेन करता है, बिकॉज ये तो रूल है ना कि आपको 31 मार्च क्लोजिंग करनी है और उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है जो भी आपका बनता होगा। लेकिन अगर अपने अकाउंट्स हम हैंडल नहीं करेंगे तो टैक्स कैसे बनेगा? पेनल्टी पड़ेगी हमारे ऊपर। तो ये तो हर एक शॉपकीपर को करना है, हर एक बिजनेसमैन को करना है, हर एक दुकानदार को करना है, हर एक कंपनी को करना है। तो अगर आप अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में झाँकें तो आपको बहुत सारे शोरूम ऐसे दिखेंगे जिनके टर्नओवर ही आपकी लाखों करोड़ों रुपये में है। तो क्या वो रिटर्न फाइल नहीं करते? क्या वो अकाउंट्स हैंडल नहीं करते? करते हैं। हम क्यों देखें कि हम कंपनी में ही जॉब करेंगे, अपना काम क्यों नहीं कर सकते हम लोग? एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको कि अगर आपको टैली में, आप वेल वर्स्ड हैं और आपको अच्छे से काम करना आता है, अपने एरिए के कोई भी शॉपकीपर जो कि आपके नियर बाय में है, चाहे वो मोबाइल वाला हो, चाहे वो बिजली वाला हो, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर वाला हो, चाहे वो कपड़े वाला हो, चाहे वो फैशन क्लोथ वाला हो, चाहे वो शूज़ वाला हो, हर किसी को रिटर्न फाइल करनी होती है, हर किसी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। अकाउंट्स जो हैं वो तो है ही हैं,
अकाउंट्स के अलावा जो नेचर ऑफ वर्क है वो तीन तरह से होते हैं, वो कौन कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इसी वीडियो को अंदर आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना मत करना मत करना। अगर वीडियो स्किप हुई तो ये जो तीन पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ये स्किप हो जाएंगे और फिर आपको पछताना पड़ेगा। सो पहला जो मॉड्यूल आता है, हम लोग बात करते हैं टैली के जॉब के अंदर, वो क्या आता है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स कि हमारे पास एक बना बनाया माल आया, बना बनाया हमने माल बेच दिया। अब जो हमने माल बेचा, नेचुरली बात है हमने उसके ऊपर मार्जिन रखा, प्रॉफिट रखा। अब प्रॉफिट रखा तो जो हमने प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर हमें टैक्स भी देना है सरकार को, तो ठीक है वो GST पे करना है, ओके आई विल पे। बट द प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे कि अगर मुझे सेल करना है तो मुझे पहले मैन्युअली बिल बुक छपवानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ये कहती है कि अगर आपने कोई चीज़ सेल करी है तो आपको उसका बिल तो काटना ही पड़ेगा। तो मुझे आप बताएं कि क्या आपको बिल काटना आता है? आपने टैली की है और आपको अकाउंटेंसी में अकाउंट्स हैंडल करने आते हैं, आपको रिसिप्ट की, पेमेंट की एंट्रीज भी करनी आती हैं, लेकिन क्या आपको बिल जनरेट करना आता है? बिल को इनवॉइस भी कहा जाता है, तो क्या आपको इनवॉइस निकालना आता है? अगर नहीं निकालना आता तो मुझे आप बताओ कि जो शॉपकीपर या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर या जो सेलर है जिसको जॉब के लिए कैंडिडेट चाहिए, तो अगर आप वहाँ पर जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपने टैली की हुई है, बट आपको बिल निकालना नहीं आता, तो मुझे बताओ जॉब कौन दे देगा आपको? कोई मतलब ही नहीं बनता कि आपको जॉब कहीं से मिल जाए किसी भी एंगल से। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट लाइन। अगर मैं इसी को लेके जाऊँ इन डेप्थ के अंदर, तो वो जो शॉपकीपर की मैंने जो बात करी वो तो एक लोकल है आपका जो लोकेलिटी में काम करता है, लेकिन अगर उसके मल्टीपल गोदाम हो मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर तो क्या हो? देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल आउटलेट्स हैं, मल्टीपल गोडाउंस हैं। तो मल्टीपल गोडाउंस अगर हैं तो फिर उनकी जो परचेज है, उनका जो स्टॉक है कैसे हैंडल करोगे, उनका जो रीऑर्डर लेवल है कैसे देखोगे, उनका परचेज ऑर्डर कैसे निकालोगे, सेल्स ऑर्डर कैसे निकालोगे, कोटेशंस कैसे निकालोगे, ये सब हमारा जो पार्ट है ये सब इसी का हिस्सा है। तो क्या टैली में आपने कवर किया है? तो जो पहला फेज मैंने आपको बताया है वो बनी किसके लिए है? फॉर ट्रेडर्स के लिए। जो बंदा ट्रेडिंग करता है, सेल परचेज के साथ काम करता है, उसके अंदर आने वाले सभी फीचर ए से लेके जेड तक टैली आपको प्रोवाइड करवाता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो चीज़ आपको अगर आती होगी तो आप ट्रेडिंग के जॉब के लिए, जहाँ पे ट्रेडर जो अपना सेल परचेज का काम करता है, होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, वहाँ पे आप एप्लीकेबल हैं जॉब के लिए। अब मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो सेल नहीं करते, उनके पास सेल करने के लिए कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टॉक, लेकिन अगर बात करूँ सर्विस की तो बहुत कुछ है। डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या करता है? एक सिर्फ पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, उनका ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, लेकिन कभी वो टीके इंजेक्शन दवाइयाँ नहीं बेचता। वो कहाँ से आती है? वो केमिस्ट से आती है। तो डॉक्टर किस बात के पैसे लेता है? वो क्या बेच रहा है? वो अपनी सर्विस बेच रहा है ना, उसके एक्सपर्टीज़ हैं वो बेच रहा है। एक इंजीनियर है, इंजीनियर ने एक लेआउट बनाई, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई, चाहे वो ऑटोकैड पे की हो चाहे कैड कैम पे की हो, सो वो ड्राइंग के पैसे ले रहा है। टीचर जो पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, वो पढ़ाने के पैसे ले रहा है ना। इसी तरह देखा जाए तो सर्विसेज बहुत सारी हैं। अगर हम जाते हैं आउटलेट के ऊपर, जैसे HMs है, हॉट मिलियंस है, या फिर हम डोमिनोज की बात करें, आप बर्गर ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो उसके नीचे GST लगा होता है ना। वो तो क्या सेल कर रहे हैं? वो तो उनके सेल ऑफ आइटम, क्योंकि आइटम शो हो रहा है कि हमने इतने नंबर ऑफ बर्गर्स परचेज किए हैं, इतनी क्वांटिटी है, इतना रेट है और इतना GST है, डेट सीट। लेकिन अगर हम कोई सर्विस बाय करते हैं तो उसमें हम क्या लिखेंगे? सर्विस की बात करूं तो आप देखो, अगर आप कोई टिकट बुक करवाते हो, चाहे वो ट्रेन की हो चाहे फ्लाइट की हो, क्या लगता है? सर्विस टैक्स। मूवी टिकट लेते हो मूवी देखने के लिए, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है कौन सा? GST। कोरियर करवाते हो, GST। टेलीफोन बिल पे करते हो, GST। बिजली का बिल पे करते हो, GST। सब में ऐड होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है हमें पता है कुछ नहीं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस। हम सर्विस पे कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, और सर्विस के अगेंस्ट हमने टैक्स पे किया। अब सर्विस के अगेंस्ट अगर हम टैक्स पे किया है तो हमें उसके अंदर काम करना आना चाहिए। अगर हम बिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा इन्वॉइस होगा? यहाँ पे होगा अकाउंटिंग इन्वॉइस। लेकिन जो पहले वाला मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग के लिए जो रिटेलर काम करते हैं, जो दुकानदार काम करते हैं, वो काम करेंगे आपके आइटम इन्वॉइस के अंदर। सो दो डिफरेंस हो गए। तीसरी कंपनी की बात करूंगा तो तीसरी कंपनी वो है जो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैं अगर कहता हूँ कि मुझे कोका कोला बनाना है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? मुझे पानी चाहिए, शुगर चाहिए, कंसंट्रेट चाहिए, पेट बॉटल्स चाहिए, मुझे क्रेट्स चाहिए, मुझे फिर लेबलिंग के और मार्केटिंग के लिए और स्टिकर्स चाहिए मुझे, है ना, ये सब मुझको चाहिए होगा। तो कच्चा माल मैं लेके आऊँगा, कच्चा माल को लेके मैं प्रोसेस में लेके आऊँगा, उसको फिनिश में लेके आऊँगा, स्टॉक तैयार करूँगा, उसके बाद मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर ऑल ओवर द इंडिया, या फिर ऑल ओवर द एरिया, या फिर नियर बाय योर एरिया जहाँ पे आप रहते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है कच्चा माल लेने के बाद। सो कच्चा माल
खरीदने से लेके फिनिश गुड तक बन जाने तक जो भी प्रोसेस होता है, जो भी उसकी एंट्रीज होती हैं, वो सब भी टैली के अंदर होती हैं। टैली ने कुछ नहीं छोड़ा, टैली ने अकाउंट्स, इन्वेंट्री, टैक्सेशन फॉर रिटेलर्स, फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, फॉर मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, ये तीन वर्ड जो बताना चाह रहा हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, जो काम करते हैं सेल एंड परचेज का बनी बनाए गुड्स के ऊपर। दूसरा क्या है, सर्विस इंडस्ट्री, जो सर्विस देती हैं अपने क्लाइंट्स को। तीसरी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग, जो कच्चा माल लेके फिनिश गुड्स तैयार करती हैं और उसके ऊपर उसको आगे मार्केट में सप्लाई करती हैं। सो ये तीन तरह के अकाउंट हैंडलिंग हैं जो हम लोग टैली में करने वाले हैं मेरी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और जो मेरी आने वाली वीडियो रहेंगी इस टैली टॉपिक के ऊपर, सो मेरे साथ बने रहिए। और मैं समझता हूँ कि अब तो एक लाइक बनता है, क्योंकि एक लाइक मुझे दोगे तो मुझे 10 गुना मोटिवेशन मिलती है। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास मेरी वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, और वो भी तब आएगी जब आप बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ये समझने के लिए कि टैली में होता क्या है, हम लोग किस तरह से काम करते हैं, किस किस इंडस्ट्री और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज टैली को यूज़ करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद फैक्टर क्या आता है कि स्टूडेंट को किस मॉड्यूल में जाना चाहिए, अगर जो रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सप्लायर है उसको देखे, या फिर वो देखे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, या फिर वो देखे सर्विस इंडस्ट्री को। सो तीनों ही ट्रेड आपको आनी चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पर क्या काम होता है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता तो बेटर है कि तीनों करके जाओ। आउट ऑफ 100 मैंने देखा है 60-70% जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब के लिए जाते हैं वो फेलियर क्यों होते हैं, क्योंकि उनको कंपनी के हिसाब से काम करना नहीं आता। उनको सिखाया गया है कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, रिसिप्ट की, पेमेंट की, कॉन्ट्रा की, जर्नल की, बट माई डियर ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है, आपको इससे पार जाना होगा अगर जॉब पानी है तो। और यही नहीं, आज के डेट में तो क्या हो गया, ई वे बिल निकल गया। बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता होता कि ये बिल होता क्या है, ये बिल निकालना कैसे है इनवॉइस के साथ साथ। तो जिस कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर निकालना है, वहाँ पे आपको कोटेशन निकालनी है, वहाँ पे आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है स्टॉक के लिए, कि ताकि पता लगे कि स्टॉक खत्म होने वाला है तो हम नेक्स्ट ऑर्डर करें, ताकि जो हमारा परचेज इनपुट्स हैं वो हमारी बराबर अप टू द मार्क हो सके, ताकि जब भी कस्टमर अप्रोच करता है तो हम उसको ये ना बोलें कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो स्टॉक को भी मेंटेन करना है। फिर अगर मेरे मल्टीपल लोकेशंस में गोडाउन्स हैं, मल्टीपल मेरी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो मेरे नेचुरली बात है कि अगर मल्टीपल लोकेशन पे काम हो रहा है तो मल्टीपल खर्चे भी होंगे, है ना, मल्टीपल रेंट होगा, मल्टीपल बिल्स होंगे मेरे, मल्टीपल सैलरीज होंगी, मल्टीपल एक्सपेंसेस होंगे, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। उसके लिए कॉस्ट सेंटर होता है, कॉस्ट कैटेगरीज होती हैं, बजट सिनेरियोज होते हैं, है ना। टैली में बहुत कुछ है, बहुत कुछ डेप्थ है, ठीक है। ये कोई 10 दिन का कोर्स नहीं होता कि यहाँ 10 दिन कोर्स किया और चलते बने, नहीं, इट्स अ वास्ट कोर्स। सो अगर आप जॉब देख रहे हैं टैली के अंदर तो आपको टैली कंप्लीशन करनी ही होगी विद अ टाइम फ्रेम। और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कोई भी पर्सन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप ये कर सकते हैं तो येस आई कैन डू इट इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। सो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। दूसरी चीज़, अगर कोई कहता है कैंडिडेट कि मुझे जॉब नहीं करनी तो क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ, अरे कर सकता है ना, मना कौन करता है। आपको अकाउंटिंग आती है, आप क्या करो, मोबाइल की दुकान में जाओ, बिजली की दुकान में जाओ, जो आपके साथ में आसपास में दुकानें हैं उनसे मिलो जाके, उनको क्या बोलोगे, भाई जी मैं आपका अकाउंट मेंटेन करता हूँ, क्या मुझे कितने पैसे दोगे। अगर आप उनसे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये पर मंथ भी लेते हो तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपने 5 दुकानदार को भी पकड़ लिया तो 10,000 रुपये आपके मंथ के बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सर्विस देनी है, ठीक है, जो उनको ई वे बिल निकाल के देना है, उनको इनवॉइस की एंट्रीज करके देनी है, उनका परचेज मैनेज करना है, उनका सेल्स मैनेज करना है, ये सब कौन करेगा। लेकिन काम कितना होता है, वंस इन अ वीक, आप चाहे शनिवार को करो चाहे इतवार को करो। हाँ, ई वे बिल का होता है वो जब ऑर्डर आएगा तो निकालना होता है, लेकिन ये काम घर से भी कर सकते हो, ठीक है। सो टैली को छोटा मत समझो, टैली के बहुत अच्छा स्कोप है, टैली की सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमें उस लेवल पे नहीं पता होता जो कंपनी में काम आता है। सो ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ बने रहिए मेरे साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो अगेन अपील करता हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले मिले।